नाजरीन, इस वक्त मैं खुर्शीद चौक साइड एरिया कोटरी में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं सिंध सलातीन रेस्टोरेंट। बहुत ही ख़ास रेस्टोरेंट है, इसीलिए मैं भी हैदराबाद से जो है इस रेस्टोरेंट को कवर करने के लिए आया हूँ। हम पहले हैदराबाद जाते थे, हैदराबाद में ही खाना खाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है हमारे को वो सहूलत मिल गई है। रोश भी यहीं पे मिलता है, अच्छा ज़बरदस्त सुराब गोट का रोश मिलता है यहाँ पे। माशाल्लाह यहाँ पे हमने कढ़ाई खाई, मज़ा दिया, दिलचस्पी हुई हमारे को, हर रोज़ आते रहते हैं। अभी हमने यहाँ के आवाम के लिए हमने कहा कि ऐसा खाने पीने का या ऐसे चाय का ऐसे जायके का इंतज़ाम करें जो ये लोग भी खाकर खुश हो जाएं। तो इसीलिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चाय की भी अच्छी यानी कि जायके हैं, खाने के भी अच्छे हैं। हमारे पास मटन रोश है, अभी कुछ टाइम बाद काबली पुलाव वगैरह, और ये जो चिकन कढ़ाई हो गया, ब्रोस्ट हो गया, ब्राउन हो गया, ये सब क्वालिटी इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। ख़ास तौर पर इस होटल की जो खास चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई, यहाँ पर आमिर बरोही है जो बनाता है ना, ये लड़का ब्राउन बहुत अच्छा बनाता है। मैंने पूरे हैदराबाद में खाना खा के देखा है, हमने ऐसा ब्राउन पूरे हैदराबाद में कहीं नहीं। हम तो यहाँ पे खाना इतना खाया, घर का खाना ही भूल गए इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट छोड़कर इसी रेस्टोरेंट में। माशाल्लाह इधर माहौल अच्छा है, बैठने का एटमोसफेयर अच्छा है, मतलब के लोग अच्छे है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अरबाज अवान, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं खुर्शीद चौक साइड एरिया कोटरी में मौजूद हूं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं सिंध सलातीन रेस्टोरेंट। बहुत ही ख़ास रेस्टोरेंट है, इसीलिए मैं भी हैदराबाद से जो है इस रेस्टोरेंट को कवर करने के लिए आया हूँ और आप लोगों को मज़ेदार खाने जो यहाँ पर मिलते हैं, स्पेशली यहाँ का जो रोस्ट है बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ की कढ़ाई, चाहे वो मटन हो, चाहे चिकन हो, पिशावरी कढ़ाई हो, बलोची कढ़ाई हो, ये तमाम कढ़ाई यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ की जो दाल है वो भी बहुत फेमस है। तो मेरे साथ अंदर आएँ, आपको दिखाते हैं मज़ीद क्या क्या है, और चाय स्पेशली यहाँ की वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो मेरे साथ आ जाएँ। सिंध सलातीन रेस्टोरेंट के किचन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जो है कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएँगे, माशाल्लाह से पिशावरी कढ़ाई यहाँ पर स्पेशल जो इनकी है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा रोस्ट इनका बहुत फेमस है। तो ये आप ये बताइएगा कि कौन कौन से मसाले डाल रहे हैं और कब से ये तैयार कर रहे हैं? मैं कढ़ाई मसाला डालता है, काली मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, समझा ना। पिशावरी कढ़ाई इधर का मशहूर है माशाल्लाह बहुत। तो बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सर्विस दे रहे हैं आप माशाल्लाह। ये बलोची मटन कढ़ाई बन रहा है, समझा ना, माशाल्लाह। ये पिशावरी कढ़ाई और वो वाली वो ऐसे ये वाइट बन रहा है। वाइट है जी जी, वाइट कढ़ाई, पिशावरी कढ़ाई, बलोची मटन कढ़ाई है। बलोची मटन कढ़ाई, बलोची मटन कढ़ाई भी जो है वो तैयार की जा रही है। तो इस तरह की रोज़ाना दो बकरे निकलते हैं माशाल्लाह। एक बकरा आता है, अभी ये एक बकरा निकल चुका है, ये दूसरा बकरा आ गया ताज़ा, मतलब फ्रेश कटता है, फ्रेश बनता है, फ्रेश कटता है, फ्रेश बनता है। तो रोज़ाना दो बकरे का ड्राई बकरे यहाँ पर कट रहे हैं, उसके साथ साथ जो है कढ़ाइयाँ बनाई जा रही है। चाय यहाँ की बहुत फेमस है, मेरे साथ आए चाय भी दिखाते हैं आप। चाय जो है यहाँ की बहुत मशहूर है। भाई क्या कौन सा ऐसा राज है, क्या डाल रहे हो, कैसे बना रहे हो, ये बताया थोड़ा। दूध में पानी कम लगाते हैं, दूध पेवर करके चला रहे हैं। अच्छा, नया होटल है, चानस दे रहे हैं माशाल्लाह। तो ये बड़े दूर दूर से लोग आपकी चाय पीने के लिए आ रहे हैं, मैंने अभी तारीफ भी सुनी है। तो कारीगर भी आप माशाल्लाह, कब से बना रहे हैं ये? हम तकरीबन 10 साल की उम्र है चाय का काम कर रहे हैं। 10 साल से बना रहे? जी हाँ जी हाँ। तो इस रेस्टोरेंट में आकर आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, माहौल भी बेहतरीन है, आने वाले भी बेहतरीन है। बाकी ये मेहनत जो है ना हम अपने दिल से कर रहे हैं, दूध में पानी कम लगा रहे ताकि जो अगले को जो चाय जो जाए ना वो क्वालिटी के हिसाब से दे। दूध में पानी कम डाल रहे हैं, क्वालिटी वाली चाय ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोग इस गर्मी में, ये भाई यहाँ पर खड़े हैं जैसे कि वो कढ़ाई बना रहे हैं, तो इन्हें भी अप्रिशिएट करा करें। आपको ये चाय सर्व करते हैं, खाना सर्व करते हैं, तो बहुत शुक्रिया यार आपका, थैंक यू सो मच। आप लोग भी आएँ, चाय खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, कढ़ाई खाना चाहते हैं, दाल खाना चाहते हैं, इस तरह की और भी बहुत सारी डिशेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग भी लाजमी हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? यूनस खान। सिंध सलातीन पे आना हुआ है, पहली बार आए और कहाँ से आए बताएं? यार पहली मरतबा आए, हैदराबाद जिलपाक से आए हम लोग इधर। जी माशाल्लाह। इतनी दूर से इधर? खाना अच्छा है ना? खाना अच्छा है, क्या खाया था? हम लोगों ने तो फिलहाल रोश तो ख़त्म हो गया, बोरा रोश लोग ज़्यादा खा रहे,
वो ख़त्म हो गया तो कढ़ाई का बोला है, कढ़ाई खाई माशाल्लाह बड़ी प्यारी कढ़ाई थी। कौन कौन सी स्पेशल वैरायटी आपके पास मौजूद है? मैंने सुना है रोस्ट मिलता है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, क्या क्या चीज़ें है इधर? अपना रोस्ट मशहूर है, तकरीबन 10 बजे से आज पहले ख़त्म हो जाता है। और मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई यहाँ पर बड़ा मशहूर है। और मांस दाल के बड़े शौकीन लोग आता है इधर, बहुत शौक से आता है इधर मांस दाल खाने के लिए रोज समेत। सिंध सलातीन रेस्टोरेंट के ओनर जान मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है और 2 महीने पहले इस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ था, लेकिन माशाल्लाह रिस्पांस जो मैं यहाँ पर आया, मैंने विजिट किया, बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और उसके साथ साथ रेस्टोरेंट इतना रश है, क्या ख़ास बात है, क्या सेल कर रहे हैं बताइए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। खासियत हमारी ये है कि पहले तो यहाँ पर होटल में अक्सर यहाँ पर होटलों में ऐसे जो खाने पीने वो हुआ नहीं करते थे, और हमने यहाँ के आवाम के लिए हमने कहा कि ऐसा खाने पीने का या ऐसे चाय का ऐसे जायके का इंतज़ाम करें जो ये लोग भी खाकर खुश हो जाएं। तो हमने यहाँ पर हमेशा जो यहाँ पर हम बकरे जो हैं वो ख़ुद यहाँ पर कसाई के हाथों से हम अपने नज़रों के सामने काटते हैं, ताकि हमें ये डाउट ना हो कि ये पता नहीं कौन से गोश्त खिला रहे हैं। हम ख़ुद यहाँ पर बकरे कटवाते हैं, यानी कि डाउट कस्टमर को भी ना हो। तो इसीलिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चाय की भी अच्छी यानी कि जायके हैं, खाने के भी अच्छे हैं। हमारे पास मटन रोश है, अभी कुछ टाइम बाद काबली पुलाव वगैरह, और ये जो चिकन कढ़ाई हो गया, ब्रोस्ट हो गया, ब्राउन हो गया, ये सब क्वालिटी इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। और आवाम की जो यहाँ पर आने की जो इधर हमारे पास आते हैं तो हमारे जो जायके हैं वो चेक करते हैं, इनको बड़ा पसंद आता है, तभी वो लोग इधर आते हैं। और हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारे होटल पे आएँ, एक दफ़ा खा के जाएँ, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप पैसे भी ना दें, कोई बात नहीं। मैंने जितने भी यहाँ पर जो कस्टमर थे उनसे बात किए तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग पहले डिनर करने के लिए हैदराबाद जाते थे, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर आते हैं और डेली घर का खाना नहीं खाते बल्कि इस रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। तो जो हमारे नाज़रीन हैं उनको एड्रेस समझा दें कि ये आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे? हमारा रेस्टोरेंट जो है ये मेन ठट्टा रोड पर, नेशनल हाईवे कोटरी से 1 किलोमीटर पर हमारा रोड ये होटल पड़ता है, मेन खुर्शीद चौक पर, मेन रोड पे हमारा सिंध सलातीन होटल का नाम है हमारा, किसी से भी पूछे वो आप लोग को बता देंगे जी। तो सिंध सलातीन रेस्टोरेंट पर पूरी गैदरिंग आप लोग देख सकते हैं दोस्तों की, यहाँ पर मौजूद है। और मैंने अभी जब एक कस्टमर से बात करी, उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद जाते थे खाना खाने के लिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटरी में ही लोग जो है साइड एरिया कोटरी में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताएँ, कहाँ से आएँ ये भी बताइए। मेरा नाम अब्दुल हई है और हम यहीं पर रहते हैं खुर्शीद चौक पर जी। तो ये बताएँ कि इतने सारे रेस्टोरेंट छोड़कर इसी रेस्टोरेंट पर क्यों आना हुआ? असल में एक तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हमारे को बहुत ज़बरदस्त जो है माहौल मिलता है, और दूसरा यहाँ पर कारीगर इस तरह से ज़बरदस्त कारीगर है कि खाना बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। अच्छा। और जो हमें मतलब बाहर के जो जायके थे वो हमें घर के सामने ही मिल रहे हैं, तो हमने कोशिश कर दी कि मतलब यहीं पर बैठा करें, और एक अच्छा इन्वायरमेंट है, उस माहौल की वजह से जो है यहाँ पर एक अच्छा मज़ा आता है। तो पहले आप जो है हैदराबाद जाते थे खाना खाने के लिए? बिल्कुल, हम पहले हैदराबाद जाते थे, हैदराबाद में ही खाना खाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है हमारे को वो सहूलत मिल गई है, रोश भी यहीं पे मिलता है, अच्छा ज़बरदस्त सुराब गोट का रोश मिलता है यहाँ पे। अच्छा। और दूसरा जो है और मतलब शिनवारी के जो है कढ़ाई जो है हमारे पास कारीगर ऐसे ज़बरदस्त कारीगर है, चाय भी अच्छी मिल जाती है। चाय तो माशाल्लाह ऐसी चाय कि इस इलाके में जो है इसका जो है फिर कोई है नहीं। सिंध सलातीन रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं यहाँ पर कुछ कस्टमर जिन्होंने अभी अभी खाना खाया, लोग जो है गोश्त के पीछे भाग रहे होते हैं, और मैंने देखा कि भाई ने जो है दाल खाई है, इसके पीछे का क्या रास्ता? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राना सज्जाद है, ये रेस्टोरेंट हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मोहम्मद जान और इस्माइल भाई, उन्होंने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कराया था रमज़ान में, शायद ईद से 1 दिन पहले। यहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दाल भी, और उसके अलावा ये कढ़ाई बनाते हैं, रोश बनाते हैं। ख़ास तौर पर इस होटल की जो ख़ास चीज़ है ना जो मुझे बहुत पसंद आई, यहाँ पर ये आमिर बरोई है जो बनाता है खाना, ये लड़का ब्राउन बहुत अच्छा बनाता है। मैंने पूरे हैदराबाद में खाना खा के देखा है, हमने ऐसा ब्राउन पूरे हैदराबाद में कहीं नहीं। तो आप हैदराबाद से हैं या इधर ही? मैं यहाँ का मुकामी हूँ, मगर हम लोग यहाँ से मतलब हैदराबाद ही जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मगर जब से रेस्टोरेंट खुला ना हमने हैदराबाद जाना छोड़ दिया। इतना पसंद आया आपको? इतना खाना पसंद आया, हम लोग बरोई पे शनवारी पे जाते थे खाना खाने, अब हम वहाँ नहीं जाते, हम यही खाना खाते। हवादार माहौल है, अच्छा इन्वायरमेंट है, मज़ा आया, मज़ा आता है खाना खा के यहाँ पे। आपको कैसा लगा खाना खा के?
माशाल्लाह खाना माशाल्लाह बहुत, हम तो डेली आते हैं इधर और डेली खाना खाते हैं यहाँ पे। हम तो यहाँ पे खाना इतना खाया घर का खाना ही भूल गए इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट छोड़कर इसी रेस्टोरेंट में माशाल्लाह। इधर माहौल अच्छा है, बैठने का एटमॉस्फेयर अच्छा है, मतलब के लोग अच्छे हैं यहाँ पे, कोई भी मतलब के ऐसी बदमगजी नहीं मिलेगी, सुकून है, जो भी आता है इधर एंजॉय करके जाता है माशाल्लाह। स्टाफ अच्छा है, खाना अच्छा है, और इसके साथ साथ रोस्ट इनका जो मशहूर है, दाल मशहूर है, इसके अलावा कढ़ाई हर आइटम यहाँ पर मिलने वाला, चाय, और सबसे बड़ी बात हवा यहाँ पर चल रही है, गर्मी आप लोगों को पता है बहुत है, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं खुले मैदान में इधर बैठते हैं और खाना खाते हैं। तो भाई ने कहा हम घर पर कम और इस होटल पर ज़्यादा खाते हैं, तो आप भी एक बार लाजमी ट्राई करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अरबाज़ अमान को दे इजाज़त, देखते रहें एशियन न्यूज़, अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।